दोस्तों विवेक वास्तुविला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वॉल क्रिएट करना सीखेंगे। इससे पहली वाली वीडियोस में हम लोगों ने लेवल क्रिएट करना सीखा था। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये रेबिट का इंटरफेस खुल गया है। ये हमारा वॉल यहाँ पर मिल जाएगा। वॉल हमारे पास जनरली होते हैं, जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला वॉल आर्किटेक्चर, वॉल स्ट्रक्चर, वॉल बाय फेस, है ना। उसके बाद आपका आता है स्वेप और लास्ट में रेवेल। तो वॉल आर्किटेक्चर जो होता है उसमें लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं 3D में, हम लोग जनरली उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए आपको जो भी स्ट्रक्चर का पार्ट होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको पूरा 1 मंथ लगेगा, अलग से इसका कोर्स होता है आपका स्ट्रक्चर के लिए। हम लोग अभी आर्किटेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है आर्किटेक्चर में तो ज़्यादा समय लगता है आपका। फिर आपका आता है नेक्स्ट आता है वॉल बाय फेस, जो मासिंग इनसाइट होता है उसमें हम लोग उसको पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें आपका ट्रेंचेस वगैरह दिखाने के लिए होता है, एलिवेशन वगैरह इसमें दिखाते हैं हम लोग उसमें, है ना। ये जो लास्ट का दो है स्वीप और रेवेल, ये होता है वॉल में डिज़ाइन बनाने के लिए ना। उसमें आप वॉल में डिज़ाइन बनाना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्वेप और रेवेल को, ठीक है। तो ये आपका आर्किटेक्चर में जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाता है सारा का सारा। तो स्ट्रक्चर में डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को ही देखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे रेविट वॉल में। ये हमारा 5 टाइप का वॉल हो गया है, ठीक है। लास्ट में 2 वॉल है हमारे डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन पर्पज़ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो भी अप्लाई होगा वो आपका रेविट में होगा, है ना। मैं जनरली हम लोग इसी 3 टाइप्स के वॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रैबिट में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रैबिट आर्किटेक्चर में हम लोग यूज़ करने वाले हैं आर्किटेक्चर वॉल को। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्टिव कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ऊपर में मॉडिफाई प्लेस वॉल, है ना। जो भी आपका सारा ऑटो कैड जैसा ओपन हो गया है ना, जिसमें आपका यहाँ पर सब कुछ दिखता है आपको। देखिए यहाँ से शुरू किया, देखिए यहाँ ऑफसेट है आपका, नीचे में मूव का है, ये आपका हो गया कॉपी, रोटेट, मिरर, ठीक है ना। एक स्टैंड हो गया आपका, ये आपका एरे है। ये सब का सब जो भी टूल्स है यहाँ का, यहाँ जो हमको दिख रहा है सब का सब क्या है आपका ऑटो कैड जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए मेजरमेंट वगैरह का भी मिल जाएगा आपको सब का सब। देखिए मूव में जाएंगे तो मूव का कमांड MOV, वहाँ पर हम यूज़ करते थे M, यूज़ करते थे, यहाँ MV यूज होता है। कॉपी के लिए CO वहीं सेम जैसा है, यहाँ RO, लेकिन वहाँ पे एंटर करना पड़ता था, यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना होता है। बस जैसे ही आप आइकन पर सेलेक्ट कीजिएगा वो कमांड आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं मॉडिफाई प्लेस, है ना, आपका वॉल का। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लेस, डिफरेंट डिफरेंट लाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हम लोग सिंगल लाइन यूज़ करते थे तो वहाँ पर लाइन कमांड डालते थे, एंटर करते थे, वहाँ पर लाइन कमांड नहीं डालना होता है, ठीक है ना। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अनकनेक्टेड दिखा रहा है ना, अनकनेक्टेड। यहाँ पर हम लोग पिछले वाली वीडियो में देखा था, 5 लेवल्स बनाए थे, तो वही आपको यहाँ पर लेवल्स हुआ था, उसको आपको अनकनेक्टेड ही रखना है। और यहाँ पर ये जो है आपका, इसको अभी हम लोगों ने किया है, वो है आपका हाइट, 1 लेवल टू अनदर लेवल, है ना। तो उसको हम लोग कितना रखते हैं बिल्डिंग का हाइट, 10 रखेंगे। 20 तो होता नहीं, बाय डिफॉल्ट में 20 था आपका, आपको यहाँ 10 कर देना है। और 10 फिट डालने के बाद एंटर नहीं करना, जस्ट कर्सर को बाहर लेके आना है आपको वर्किंग स्पेस पे। जैसे ही वर्किंग स्पेस पे आएगा वो उसमें खुद खुद फिट हो जाएगा, फिट होकर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग वॉल का जो हाइट है 1 लेवल टू अनदर लेवल, 2nd लेवल का, वो हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर ऑफसेट है, वो ऑफसेट आपको बताएंगे आगे में, जो हम लोग लाइन पर यूज़ करते थे वहाँ पर। वैसे हम यहाँ पर अगर वॉल बनाते हैं तो वॉल में भी हम लोग ऑफसेट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑफसेट का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जरूरत है नहीं हमारा, जब आएगा तो हम आपको बता देंगे किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिल जाता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस तरह से 2nd नंबर में आ जाए, हमारे यहाँ पे स्क्वायर मिलता है, यहाँ पे आपको पेंटागन मिलेगा दोनों, है ना, सर्कल मिलेगा, पेंटागन दोनों टाइप का मिलेगा। आपको एज वाला भी मिल जाएगा, एक सर्कल वाला मिल जाएगा, बगल में सर्कल मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा आपको स्टार्ट, एंड, रेडियस, आर्क, है ना। रेडियस आर का जो टाइप था ना, 12 टाइप्स, उसी में से कुछ टाइप्स को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, सारे के सारे टाइप्स होगा। ये हो गया आपका पिक लाइन, पिक लाइन था पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, पिक लाइन जिस तरह हम लोग वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे लेवल्स पिक लाइन की हेल्प से, वही पिक लाइन की आपका ऑफसेट वाला होता है। पिक लाइन अगर हम लोग एक्टिव ही कर लेते हैं तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे कोई लाइन या फिर कोई वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम उसका ऑफसेट वैल्यू, यहाँ के पिक लाइन यूज़ करके उसका ऑफसेट ले सकते हैं, है ना।
इस तरह से था। चलिए तो यहाँ पे लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। जैसे प्रॉपर्टीज़ में आइएगा, देखिए यहाँ पे शो करता है बेसिक वॉल जेनेरिक 8 feet 8 inch, ये क्या है आपका, जैसे उसको ये आपका बाय डिफॉल्ट वाला सेट करेंगे और जहाँ पे आपको बनाना है वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आप क्लिक करके हल्का सा ड्रॉ कीजिए, देखिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है आपको, है ना। इसमें ऑर्थो जैसा कोई केस नहीं होता आपका, ऑर्थो ऑफ ऑर्थो ऑन ऐसा कोई केस नहीं होता है, है ना। जैसे आप स्ट्रेट लाइन लेके जाइएगा तो डॉटर दिखाएगा, जैसे ही आप थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा तो वो एंगल बता देगा आपको कि स्टार्ट पॉइंट जहाँ पे क्लिक किया था वहाँ से कितने रहेगा का एंगल बना रहा है वो। अगर वर्टिकल लेके जाते हैं तो वर्टिकल में भी वही सेम कंडीशन है, डॉटर लाइन शो कर देगा, थोड़ा सा हम उसको टिल्ट करेंगे तो वापस उसका एंगल शो करेगा, फिर वापस हम लोग इसको वर्टिकल कर दिए, हॉरिजेंटल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में लिख देता है आपको कितना डिस्टेंस का वो बना है। तो यहाँ पे बनाना बहुत आसान हो जाता है आपका। यही अगर ऑटो कैड में होता तो आपको लाइन बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाना होता है, उसके बाद फिर आपको सबको ट्रिम करना होता है, तब जाके वो हो पाता है, है ना, तब जाके वो बन पाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत आसानी से बन जाता है। और इसको आसानी से बनाने के लिए आपको यहाँ पे ट्रैकिंग भी शो करता है ना, डॉटेड लाइन से, ठीक है। और इससे कमांड से निकलने के लिए आपको डबल इंटर करना है, तभी आप कमांड से निकल पाइएगा। अगर एक बार स्केप करते हैं तो आप सेमी कमांड से बाहर निकलते हैं, और उसको डबल क्लिक करते हैं तो दोबारा निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वॉल को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें देखिए सेलेक्ट करने के बाद एडिट का आ गया आपका ऑप्शन। ऊपर में चाहें तो देखिए ऊपर में दिखा रहा है 10 feet, दिखा रहा है 10 feet और 6 inches दिखा रहा है। तो उस पर आप क्लिक करके इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं वैल्यू 20 feet, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे या फिर बाहर में क्लिक भी कीजिएगा तो वो ले लेगा खुद खुद, नहीं एंटर भी करेंगे तो ले लेगा, कोई इशू नहीं है। तो वो वॉल आपका बढ़ा दिया, उतना आपका वॉल इंक्रीज़ कर गया, कितने का 10 का था पहले, आप 20 का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वॉल को क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है, या तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारे पास आता है, अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वाले में हम लोग इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं, फिर नेक्स्ट में आता है, फिर से हम लोग वॉल का कमांड लेते हैं। और इस बार यहाँ पे वैल्यू देखिए ऑलरेडी एक बार पुट कर देने के बाद आपका वो हाइट जो है लेवल का वो सेट हो जाता है। जेनेरिक यहाँ पर सेट है हमारा, एक स्क्वायर यहाँ पर लेते हैं, है ना, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दिया, हो गया हमारा, ठीक है, इसी से बन गया। इसी एक को सिलेक्ट करेंगे, अगर इंक्रीज़ करना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस वैसे ही हम लोग रैंडमली ले लिया है और यहाँ पे हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो सिलेक्ट तो हम लोगों ने किया है हॉरिजॉन्टल, लेकिन जो स्केलिंग दिखा रहा है मेजरमेंट वो वर्टिकल दिखा रहा है, तो वर्टिकल पे जाना है आपको। जितने का हाइट चाहिए आपको, जितना का आपको वहाँ पर वैल्यू चाहिए उतना का वैल्यू पुट कर दिया, देखिए उसका इंक्रीज़ हो गया आपका, है ना। अब चाहे तो यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं, देखिए एक बार यहाँ पर जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली, है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं होता था, हाँ। इसको यहाँ पे भी आपका क्रॉस सिलेक्शन और विंडो सिलेक्शन दोनों है आपका, तो जो भी आपको सही लगता है सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, सिंपल सा आपका ये हो जाता है, क्लियर दोस्तों। चलिए फिर से हम यहाँ पे एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ और भी आगे देखते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक आर्क का, है ना, आर्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आगे बताएंगे, पहले स्ट्रेट लाइन में ही देख लेते हैं हम लोग सिंपल सिंपल सा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बताते हैं यहाँ वॉल के टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से वॉल के टाइप्स हैं आपके। यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पर, इस वाले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए इतने नंबर्स आपको, ये नंबर ऑफ वॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब नंबर ऑफ वॉल्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लेकिन जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं, देखिए इतने हमारे नंबर ऑफ टाइप्स हैं, जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारा जेनरिक होता है ना, जेनरिक वॉल टाइप हम लोग यूज़ करते हैं। देखिएगा जेनरिक वॉल टाइप कहाँ से, आपका 4 inch से लेकर आपका यहाँ 12 inch तक आपका यह क्या है, जेनरिक आता है, जनरली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम जेनरिक है ना, जनरली इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ वॉल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जेनरिक का। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग यहाँ चूज़ कर लेते हैं 12 में, 12 में चूज़ किया आप यहाँ पे 12, लेकिन 12 देखिएगा यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है हमारा और जाता कहाँ तक है, 12 तक, है ना, 12 तक जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 10 inch का वॉल नहीं है, 10 inch का वॉल नहीं है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ आता है कर्टन वॉल, कर्टन वॉल क्या होता है, देखेंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आगे में ग्लास का पूरा पैनल बना होता है नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्डिंग का, तो क्या होता है ग्लास का वॉल होता है, उसी को हम लोग यहाँ कहते हैं कर्टन वॉल। वो हम लोग आगे में देखेंगे किस तरह से हम लोग कर्टन वॉल को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा इतने नंबर ऑफ वॉल्स होते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा आता है 4 का और चलता है 12 तक, लेकिन यहाँ तक इतने के बीच में आपके पास 10 का नहीं है, 8 का हम लोगों ने अभी यूज़ किया था, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूज हो रहा था, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 का नहीं है तो 10 को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना होगा, क्रिएट करने के लिए आपको बताएंगे आगे में किस तरह से हम लोग मटेरियल को डुप्लीकेट करते हैं,
और इसमें जो भी कंपोनेंट वगैरह होता है उसको हम लोग किस तरह से डुप्लीकेट करते हैं वो हम लोग आगे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा वॉल का डिटेल्स कि वॉल कौन कौन से टाइप का होता है, कौन कौन सा वॉल हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा आपका यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बना होता है। ये सभी का सभी क्या हो गया आपका वॉल का डिटेल्स हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम जेनरिक एड को चूज़ करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, चलिए हो गया हमारा यहाँ पे, इसी को चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अरे यहाँ भी शो कर रहा है हमारा, जो भी यहाँ कमांड चल रहा होगा, जो भी हम वॉल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे हमारा शो करेगा कि कौन सा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कि यहाँ कौन सा वॉल में हम लोग लेवल्स में काम कर रहे हैं, वन में, टू में, थ्री में, है ना, इस तरह शो करता है। चलिए यहाँ पे हम सिंपल सा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मतलब सिंपल सा वॉल ड्रॉ करते हैं। सिंपल सा एक ड्रॉ किया हमारा, जस्ट नीचे की तरफ लाइन देखिए, खुद खुद यहाँ पे ट्रिम कमांड आपका अप्लाई हो जाता है। लेकिन ऑटो कैड में क्या था कि दो लाइन बनाने के बाद ऑफसेट लीजिए, ऑफसेट देने के बाद दोनों लाइन के ऊपर एक ओवर लाइन लाइन होगा, उसको हम लोग को ट्रिम करना होगा। देखिए सिंपल था, एक यहाँ से लाइन बनाया वर्टिकल, फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। जैसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग का भी काम कर देता है ना, डॉटेड लाइन से ट्रैकिंग भी रहता है आपका। जैसे ही आप एग्जिट, जैसे ही आपका वॉल का एंड आएगा वैसे ही आपको वहाँ पर शो कर देगा कि यहाँ तक आपका एंड आ रहा है, और वहाँ पर आप इसलिए इसको स्केप करके बाहर निकल सकते हैं। चलिए इसके सेंटर से एक ले लेते हैं, दोनों के मिड पॉइंट से। देखिए यहाँ पर ट्रिम करने को जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, जहाँ से क्लिक किया वहीं से फिर वापस क्लिक करेंगे। देखिए फिर इसके इस साइड से भी ले लेते हैं, सिंपल हम यहाँ पे एक सिंपल सा वॉल आपको बना के दिखा दे रहे हैं किस तरह से हमारा ये वॉल बन सकता है। ठीक है ना, सिंपल सा ये वॉल हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है। और अगले वाली वीडियो हम यहाँ पे इसमें विंडो डोर है ना, और जो भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं डोर विंडो के अलावा भी फर्नीचर वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो सभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना सिखाएंगे। चलिए फिर वापस हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए जेनरिक ही रहते हैं इसको। अब यहाँ पे लेवल्स को एक बार देख लेते हैं, है ना। लेवल वन में हम लोग वर्क कर रहे थे, यहाँ पे वन में शो कर रहा था हमारा। ठीक है, तो लेवल वन में था हमारा वो, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जूम आउट करके देख लीजिए, दोनों साइड में हमारा चारों साइड में दिखा रहा है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन दिखा रहा है, बीच में हमारा ये बना हुआ है। ठीक है, सिंपल से हमारा ये बना हुआ है। बाद में हमको इस इन सब को भी सेट करना सिखाएंगे किस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए वापस हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लाइन का, और वही सेंजी यहाँ पे बनाते हैं इसके मिड से, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं और एक ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ का। सिंपल से हमारा ये लाइन ड्रॉ हो गया, और सिंपल सा ये फोर बाउंड्रीज वाला ये रूम हमारा बन चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लीजिए अभी तो हम लोग लेवल वन में वर्क कर रहे हैं, तो हमारा ये ऊपर का वन में ही शो कर रहा है ना। अगर इसको हम लोग एलिवेशन में जाकर देखें, मान लीजिए ईस्ट वाले एलिवेशन में जाकर देखते हैं डबल क्लिक करके, तो वो हमारा फर्स्ट से जीरो लेवल से वन लेवल तक बना हुआ है। तो ये हमारा क्या ईस्ट साइड में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पर हमारा विंडो होता है या फिर डोर होता तो डोर का भी एलिवेशन हम लोग को यहाँ पर दिख जाता है, जिस तरह से हम लोग वहाँ पर क्रिएट करना पड़ता था, यहाँ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे बस उस वाले एलिवेशन में जाना है और उस डायरेक्शन को आपको क्लिक कर देना, जिस डायरेक्शन में उस एलिवेशन को आप देखना चाहते हैं वो खुद ब खुद आपको शो कर देगा। मान लीजिए यही सेकेंड लेवल पे होता था, सेकेंड लेवल शो करता है ना। अभी हमारा फर्स्ट लेवल पे है तो फर्स्ट लेवल शो कर रहा है, जीरो से वन लेवल के बीच में है तो हमारा यहाँ शो कर रहा है। वही अगर सेकेंड लेवल में होता, देखिए सेकेंड लेवल में वापस हम लोग आते हैं लेवल वन में। ठीक है, और इस वाले एलिवेशन में आते हैं, यही चीज़ अगर हमारा सेकेंड वाले लेवल में होता तो सेकेंड वाले में शो करता है ना। चलिए वापस हम लोग लेवल वन में आते हैं, और ये हमारा सिंपल सा बन चुका है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेवल टू में कुछ ड्रॉ कर देते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा लेवल वन पे जो बना हुआ है उसका ब्लर इमेज दिखाई देगा। देखिए हम हल्का सा ब्लर इमेज दिखाई दे रहा था, वही हम लोग देखिए वो इमेज लेवल वन में जाके देखते हैं, लेवल वन में जाके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, और लेवल वन में जाके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क दिख रहा है हमारा ये आउटर लाइन वॉल का। ठीक है, वही हम अगर सेकंड में जाके देखते हैं तो देखिए यहाँ हल्का सा लाइन दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, लेकिन है तो उसका ही, उसी का ही। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ पे सॉरी लाइन कमांड नहीं, यहाँ पे चलते हैं वॉल में, वॉल में एक यहाँ पे सिंपल से एक वॉल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यह थर्ड पर ले जाएंगे, मतलब थर्ड पे भी हम लोग शो करेगा है। अभी सेकंड पर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्ड पे जाने पे हमारा शो करता है या नहीं। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पे हम वॉल वाले में। अभी सेकंड लेवल पे हम लोग यहाँ पे सेकंड लेवल वाले में हैं, सेकंड लेवल पे हम लोग बस यही दिख रहा है आपका, जो फर्स्ट पे हमारा बना हुआ था उसी पे सेकंड वाले पे दिख रहा है, थर्ड वाले पे दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोग थर्ड वाले में कुछ बनाया नहीं है अभी तक। तो अभी चलेंगे हम लोग सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, चलिए सेकंड वाले पे डबल क्लिक कीजिए तभी वो एक्टिव होगा। यहाँ पे एक सिंपल सा एक वॉल ड्रॉ करते हैं इसके मिड वाले को, मिड वाले में एक वॉल हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एग्जिट करते हैं, डबल एग्जिट कीजिएगा, बाहर निकल जाइएगा आप यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड वाले में जाके क्लिक करते हैं।
ठीक है, देखिए थर्ड वाले क्लिक कीजिएगा। देखिए एक सिंगल हम लोगों ने वॉल बनाया था यहाँ पे सेंटर से उसके, तो यहाँ पे एक सिंगल उसका ब्लर इमेज यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे भी कुछ अगर बनाते हैं आप तो फोर्थ वाले पे देखिएगा। सिमिलरली ऐसे ही आपका स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। तो ये था आज के लिए, इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।